हेलो एवरीवन, मेरा नाम अंकित है और आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि ओडिशा जो स्टेट है उसका स्टेट कट ऑफ यानी कि जो 85% कोटा वाला कट ऑफ होता है वो कितना जा सकता है, यानी कि आप स्टेट राउंड से पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको कितने मार्क्स पे कॉलेजेस मिल जाएंगे। एग्जैक्ट बताने से, नंबर्स बताने से पहले कुछ बातें जान लो कि ये जो बार बार क्वेश्चन पूछते रहते हैं कि ये कौन से राउंड का कट ऑफ है, ये कौन से राउंड में आया, स्ट्रे का है क्या है, मॉपअप का है क्या है, उसके लिए बता दूं मैं कि ये कट ऑफ वो कट ऑफ है जिस पे लास्ट बच्चे को कॉलेज मिला है, स्ट्रे वगैरह जितने राउंड्स हुए हैं सारे मिला के, मतलब एकदम ये लास्ट पॉइंट है, इसके आगे नहीं मिला था कॉलेज, ये है इसका समरी। तो अब राउंड्स वगैरह पूछने का कोई मतलब नहीं बनता है। दूसरी चीज कि ओडिशा स्टेट या फिर कोई भी स्टेट का बच्चा अगर ये कॉलेज देख रहा है, ये वीडियो देख रहा है, इन दैट केस अगर कोई भी तुम्हें हेल्प चाहिए हो काउंसलिंग में, यू कैन कॉन्टैक्ट दिस नंबर। ये एक पेड काउंसलिंग का नंबर है, हियर आप मैसेज करके आप पेड काउंसलिंग ले सकते हैं और आपकी पूरी हेल्प की जाएगी, बी विथ तुम्हारा स्टेट वाला काउंसलिंग या फिर तुम्हारा ऑल इंडिया काउंसलिंग, दोनों में सपोर्ट तुम्हें पूरा किया जाएगा। जो जो तुम्हें डाउट्स होंगे सारे क्लियर किए जाएंगे और चॉइस फिलिंग वगैरह सब कुछ कराई जाएगी। प्राइजेज आर जस्ट 499 फॉर MBBS, बाकी ये चार्ट लगा हुआ है देख लो। अब इन सब के बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं कि कट ऑफ क्या हो सकता है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि 2023 में क्या कट ऑफ रहा था। एक बार हमें 2023 का पता चल जाएगा तो हम लोग ऑब्वियसली फिगर आउट कर सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली क्या जाना चाहिए 2024 में। 2023 का देखो 31,684 यूआर ओपन के लिए गया था, ईडब्ल्यूएस के लिए 30,848। ये थोड़ा उल्टा हो गया था, ईडब्ल्यूएस का हमेशा थोड़ा हायर ही जाता है यूआर ओपन से, लेकिन वहां पे उल्टा हो गया था, यानी कि काफी ज्यादा ईडब्ल्यूएस के वहां पे मेंबर्स हैं, काफी ज्यादा लोग हैं जो ईडब्ल्यूएस में फॉल कर रहे हैं। ओबीसी का एग्जैक्ट डेटा मुझे मिल नहीं पाया, लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ सिमिलर टू अराउंड तुम्हारा ये 31,600, तो इसको मान के चलो लगभग 32,000 पे ओबीसी का मिला होगा। अब आते हैं हम लोग एससी के लिए। एससी के लिए 1,25,000 सेफ स्कोर था, मतलब सेफ रैंक था पिछले बार, और एसटी के लिए 3,06,579 इस पे तुम्हें कॉलेज मिल गया था पिछली बार। अब हम लोग देखते हैं इस बार क्या हो सकता है ओडिशा के लिए। 2024 का कट ऑफ एक्सपेक्टेड, यहाँ पे 2023 था, ये आगे 2024। यूआर ओपन के लिए अप्रॉक्स 33,000 जा सकता है, ईडब्ल्यूएस के लिए वही 33,000 के आसपास एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, 34 भी हो सकता है, थोड़ा नीचे भी आ सकता है, उल्टा थोड़ा हो सकता है, मतलब ईडब्ल्यूएस वहां पे हैं काफी सारे। ओबीसी का हमने एक्सपेक्ट किया है अराउंड 32, यहाँ पे अगर बता रहे हैं तो यहाँ पे वही 33 के आसपास ही मान के चलना, यही तुम्हारा सेफ रैंक होगा इस बार, क्योंकि ऑब्वियसली अभी तो तुम एक्सपेक्टेशन से रख सकते हो ना, एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। फिर एससी का क्या हो सकता है, एससी का हो सकता है 128 के एंड एसटी का हो सकता है 310 के, ठीक है, इस ये हमारा सेफ रैंक हो जाएगा। अब बहुत लोग ये पूछते हैं कि मेरे पास कॉल्स आते हैं, किसी मतलब किसी के फादर वादर के कॉल आते हैं, तो इन दैट केस वो लोग पूछते हैं कि आप एक्सपेक्टेड कट ऑफ तो इतना बताए थे तुम्हें हो जाएगा क्या। अरे एक्सपेक्टेड कट ऑफ का मतलब होता है कि हम लोग क्या क्या फिगर आउट कर रहे हैं, एक तो कि कितना पिछले बार रैंक पे मिला है, दूसरी चीज इस बार कितने सीट्स बढ़े हैं उसके हिसाब से कितने तक मिल पाएगा, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ होता है। एग्जैक्ट कट ऑफ वो लोग पूछते हैं कि इस बार कितना मिल जाएगा एग्जैक्ट बताइए, अरे एग्जैक्ट कैसे बता सकता हूँ मैं, एक्सपेक्टेड बता सकते हैं, एग्जैक्ट तभी बता सकते हैं जब तुम्हारा रिजल्ट आएगा उसमें देखा जाएगा ये तो पिछले वाले को एनालाइज करके बताया जाता है। दूसरी चीज अगर कॉलेज तुम खुद से अगर प्रेफरेंस लिस्ट वगैरह बना रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं बना सकते हो इन दैट केस तुम्हारी हेल्प ले सकते हो, फिर भी अगर खुद से बनाना है तो क्या क्या चीजों का ध्यान रख सकते हो। कॉलेज अगर तुम्हारा रैंक लेट से 10,000 के आसपास है, ऊपर वाले रैंक में तो बहुत अच्छी बात है तुम्हें तो कुछ ना कुछ ढंगा मिल ही जाएगा, नीचे वाले 10,000 के आसपास रैंक में हो इन दैट केस क्या क्या देखना है तुम्हें, एक तो कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ है, दूसरी चीज कॉलेज सिचुएटेड कहाँ पे, सिचुएटेड कहाँ पे कैसे पता चलेगा, या तो तुम गूगल मैप से देख लो कि भाई आउटस्कर्ट्स में तो नहीं है, सिटी के बाहर तो नहीं है, ठीक ठाक आसपास लोकैलिटी में चीजें हैं तुम्हारे काम की चीजें हैं सारी, ये सारी चीजें जरूर देख लो। उसके बाद कोशिश करो कि उस कॉलेज का कोई लड़का बच्चा तुम्हें इंस्टा पे यूट्यूब पे कहीं भी मिल जाए जिससे कि तुम अपने डाउट्स क्लियर कर सको, इस तरह से कॉलेज की रिसर्च कर सकते हो। अब तुम्हें कौन कौन से रेंज में कॉलेज मिलेंगे उसके लिए तुम पूरा ऑल इंडिया का लिस्ट उठाओ, उसमें देखते जाओ, सॉर्ट करते जाओ कि इस कॉलेज को तुम ले सकते हो, इस कॉलेज को तुम ले सकते हो, और लगभग 50 के आसपास आएंगे, 50 पे रिसर्च कर सकते हो। दिस इज हाउ यू मेक अ गुड चॉइस फिलिंग लिस्ट, बाकी अच्छा है तो विल बी देयर। थैंक यू।